अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं 2/7। मैं हूं इरफान अहमद, मेरे साथ मौजूद हैं ग्लोबल बर्ड्स के ओनर खालिद हुसैन भाई। और माशाल्लाह आज हम बात करेंगे खालिद भाई से कि जो बर्ड्स के मामला चल रहे हैं, हालात चल रहे हैं, प्राइसेस डाउन फॉल की तरफ जा रहे हैं और मार्केट भी कहीं लग रही है कहीं नहीं लग रही, वो मामला चल रहे हैं। तो आज खालिद भाई से हम तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा एंड तक लाजमी जरूर देखिएगा। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। तो चलें खालिद भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है इरफान भाई। सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं न्यू कराची की बर्ड मार्केट के अंदर। बहुत छोटी सी मार्केट है, आप यहाँ पर तशरीफ ले रहे हैं लालू केस से, आपकी इज्जत अफजाई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहब्बत के लिए। अच्छा खालिद भाई, सबसे पहले तो आप ही जो कवरेज कर रहे हैं यहाँ पर, आप अपने चैनल का नाम बताएं हमारे व्यूअर्स। मेरे चैनल का नाम है ग्लोबल बर्ड लवर्स, मैं हर हफ्ते न्यू कराची सेक्टर 5 पर बर्ड मार्केट की अपडेट दे रहा होता हूँ। अच्छा, इसके अलावा भी कोई चैनल है आपका? इसके अलावा मेरा चैनल है कराची इन्फो, उसके अंदर मैं कबाड़ा मार्केट जैसे यूपी मार्केट हो गई, मुख्तलिफ संडे बाजार हो गए, बुध बाजार हो गए, उसकी कवरेज वगैरह कर रहा होता हूँ। अच्छा, आज देखें मैं खालिद भाई से बात करने का मकसद आज ये है, ये एक तो खुद भी माशाल्लाह ब्रीडर हैं और सीनियर हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सीनियर हैं, मेरे सीनियर हैं, बहुत से मेरे, तो इनसे इसीलिए आज हमने सवाल करना है कि मार्केट की जो सूरत हाल चल रही है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे ब्रीडर हजरात के लिए, मैसेज मार्केट के हवाले से भी जो आप कहना चाहें हमारे व्यूअर्स को। देखिए इरफान भाई, मसला ये है कि आजकल जो है ना 2-3 हफ्तों से मार्केट लग नहीं रही थी, तो आजकल जो है लगना स्टार्ट हो गई है। पिछले हफ्ते भी जो है लालू की मार्केट लगी है, तो ये बड़ी खुशहाल बात है। लेकिन हमारे आवाम जो है ना, थोड़ा सा उनको चाहिए कि कम्प्रोमाइज़ करें, बिल्कुल जो वहाँ पे जगह घेर रहे होते हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सा साइडों पर खड़े हो, ताकि वहाँ के जो रिहायशी हैं उनको कोई प्रॉब्लम का जो है शिकार ना हो वो लोग, और गाड़ियाँ भी आ जा सकें, ताकि जो है ना आपकी मार्केट लगती रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वहाँ से रोजगार वाबस्ता है। अगर ये मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो किसी का कुछ भी नहीं आएगा, जो बिल्कुल यानी इसी फील्ड पे जो है रिलाय करते हैं, जिनका घर बार इसी से चल रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। जो चंद एक जो बर्ड लेकर आते हैं उनको कोई लॉस नहीं होगा। तो भाई अपना नहीं, कम से कम दूसरे लोगों का ख्याल करें, आप दूसरे का भला सोचेंगे तो आपका भी भला होगा। दूसरी बात यह है कि अभी रेट बड़े डाउन चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला जो है हिदायत है जाल वालों को भी, तो उन्होंने भी जो है ना जैसे मार्केट ख़राब हुई है उन्होंने रेट मज़ीद डाउन कर दिए, तो उनको चाहिए भाई थोड़ा सा जो है ना ख्याल करें, ये भी आपके पाकिस्तानी भाई हैं, रेट डाउन ना करें। एक सवाल आपने ये आप रखें, जब अभी मार्केट लालू के की डिस्टर्ब हुई तो फौरन जाल वालों ने आवाज़ लगा दी है कि एक्सपोर्ट रुक गई है, जी जी, तो लालू खेत की मार्केट डिस्टर्ब होने की वजह से एक्सपोर्ट कैसे रुक गई? जी जी, बस ये जो है ना, देखिए हर शख्स जो है ना मौका देख के चौका मार रहा होता है, उन्होंने भी जो है ना मौका देख के चौका मारा है, मजीद रेट डाउन कर दिए, रेट पहले डाउन थे मजीद डाउन कर दिए, तो बस अल्लाह ताला हिदायत दे, यही कर सकते हैं हम, कुछ भी नहीं कर सकते, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ब्रीडर हजरात जो परेशान चल रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस ब्रीडर हजरात को यही है कि भाई ब्रीड थोड़ी सी कम ले लें, वैसे भी अभी ब्रीडिंग सीजन तो ऑफ हो चुका है, शदीद गर्मी चल रही है, अब इस टाइम में मेरा ख्याल है रफी ब्रीड करिए, बाकी तो बर्ड तकरीबन जो है ना ब्रीड जो है खत्म ही कर चुके हैं, ये सारा सीन चल रहा है। अच्छा, गर्मी के हवाले से बर्ड को अभी कैसे रखना है? अच्छा, गर्मी के हवाले से इरफान भाई आजकल बड़ी शदीद गर्मी चल रही है, इंसानों को भी अपनी केयर करनी चाहिए, इसी तरह परिंदों की भी हमें केयर करनी चाहिए। पानी के अंदर हम ORS का पानी दे सकते हैं उनको, इसके अलावा लेमन मिला के उसके अंदर दे सकते हैं, इसके अलावा हरे धनिया की पत्तियां होती हैं वो आप दोपहर के अंदर अपने जो है ना बर्ड को सर्व करें, इसके अलावा आप पानी के जो है ना शावर कर सकते हैं, शावर दिन में जो है ना 2 बार लाजमी करें, इससे इंशाल्लाह आपके बर्ड हेल्दी रहेंगे। इसके अलावा आप ग्लूकोज भी यूज़ करवा सकते हैं, एक साशे ले लीजिए आप ORS का, 1 किलो अपना सॉरी 1 लीटर पानी के लिए बहुत होता है वो, आप वो यूज़ करवाइए, इसी तरह से ग्लूकोज ले लीजिए 2 चम्मच 3 चम्मच 1 लीटर पानी में आप यूज़ कराइए, इंशाल्लाह आपका बर्ड हेल्दी रहेगा, उससे एक्टिव रहेगा। जिस तरह हम लोग गर्मी के अंदर जो है मशरूबात यूज़ करते हैं, सत्तू पी रहे होते हैं, लस्सी पी रहे होते हैं, इसी तरह से बर्ड की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना दही का पानी पिलाते हैं, लेकिन मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, तो जो भाई बेहतर समझते हैं वो ये भी कर सकते हैं इस काम में, दही का पानी पिलाया जाता है, हर किसी का अपना अपना फार्मूला होता है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी उसकी क्वांटिटी का हेर फेर होता है, जी जी, वो पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है उसमें खटास की वजह से, बिल्कुल ऐसे ही है, तो इस वजह से वरना बर्ड पिएगा नहीं खट्टा होने की वजह से, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो भाई ये हमारे खालिद भाई हमारे साथ थे और खालिद भाई का बहुत शुक्रिया, बिजी टाइम उनका बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उनको मार्केट पूरी कवर करनी होती है, अपना फिर एडिटिंग वगैरह सब चीजें होती है, तो खालिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, और के मेरे व्यूअर्स के लिए उन्होंने अपना वक्त निकाला, मेरे लिए वक्त निकाला, खालिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया अरफान भाई, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं 2/7 में इरफान अहमद, व्यूअर्स मौजूद हैं सिंधी होटल न्यू कराची मार्केट में, जो परिंदा मार्केट भी है, माशाल्लाह अच्छी मार्केट चल रही है। और आज एक भाई के साथ मौजूद हूँ, इनसे हम पूछेंगे बजरी के हवाले से कि जो बजरी घर के शौकीन लोग हैं, अभी जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं परिंदों के रेट्स वगैरह के, दाना महंगा है, तो क्राइसिस जो चल रहे हैं उस हवाले से अभी बचरी कर क्या करें, उनके लिए हम बात करेंगे भाई से। भाई का तारुफ पहले करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपका नाम?
मेरा नाम मोहम्मद लुबी। अच्छा भाईजान, आप कितने अर्से से इस फिल्म से वापस आए? मेरा तो बहुत टाइम से इसका शौक है, मेरा तकरीबन 20 साल हो गए। जी हाँ, 20-25 साल। अच्छा भाई, माशाल्लाह 20 साल हो गए भाई को। अच्छा, ये माशाल्लाह खूबसूरत कलर में आपने बर्ड रखे हुए हैं जी। तो मगर अब ये जो लोग ये बर्ड ऐसा है कि हर बंदा चाहता है उसके घर में हो, मगर जो पालना चाहते हैं उनके लिए कोई एडवाइस, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं महंगाई अलग है, तो उस हवाले से आप क्या लोगों को कहना चाहेंगे? मैं उन भाइयों को ये कहूँगा कि आप वो परिंदा रखें जिनकी अभी डिमांड चल रही है। अभी आम परिंदा रखना फेल नहीं है, दाना बहुत महंगा है, और ये जब तक खूबसूरत लगता है जब तक ये ब्रीड नहीं होता। जब ये ब्रीड पे आया था तो डबल से ट्रिपल दाना हो जाता है माशाल्लाह। लोगों को आप लोगों को अफोर्ड करने में परेशानी होती है, जिसकी वजह से बच्चे कमजोर होते हैं, मार्केट में उनकी रेट नहीं मिलती सही, और फिट नहीं करा पाते सही, जो करवाना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अच्छा फल रखें जो कीमती हो। अच्छा मतलब ओगोरों में रखो, लेकिन आपका आजकल तो बहुत दूसरी आ गई है। कहने का मकसद ये है कि आप वो चीज़ रखें, खराब भी वही खाएगा अच्छा भी वही खाएगा, लेकिन अच्छी चीज़ रखें। अच्छा मैं माशाल्लाह एक चीज़ बताता चलूँ कि जो मेरी एसोसिएशन है पार्क बर्ड हेवन एसोसिएशन, उसके जो हमारे जो कमेटी के अरकान हैं, उसमें जो एडमिन हजरात हैं उनके पास भी माशाल्लाह बजरी में क्वालिटी रखी हुई है, यहाँ तक के जंग पेलो बजरीज में उनके पास मौजूद है, ब्लैकिंग मौजूद है और भी म्यूटेशन मौजूद है माशाल्लाह, और इसमें एक अच्छा काम हो रहा है। जैसे भाई ने कहा कि आप सस्ते बर्ड से थोड़ा आगे जाए, ठीक है, म्यूटेशन रखें इसमें, जैसे होगे रोमो रख लें, इससे आगे की म्यूटेशन आप रख लें, तो ये सारी चीजें हैं माशाल्लाह। अगर आप इस पे काम करते हैं तो जरूर आपको फायदा होगा, और इसके बाद अगर कोई अपडेट करना चाहें, अगर रखना चाहें तो आम परिंदा भी रखना चाहें तो, लेकिन सीजन के मुताबिक रखें। जैसे अभी गर्मी है, ये इनके रेट खुद ही नीचे गिर जाते हैं, जैसे मौसम चेंज हो उससे पहले आप पट्टे ले लें, अच्छे पट्टे ले लें आप रखें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो आप अपना नंबर शेयर करते हैं ताकि कोई नॉलेज के हवाले से बात करना चाहे आप। ये मैंने नंबर दिया है आपको, मेरा नंबर है 03118135 68, मोहम्मद मुबीन नाम है मेरा, ठीक है। तो भैया आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और जो लोग नए मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी डिस्कशन रही भाई से, तो इंशाल्लाह फिर भी हाजिर होंगे किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।